हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन ऑल ऑफ यू। आज हम सीबीएल यूनिवर्सिटी का फोर्थ सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट चैप्टर्स डिस्कस करेंगे। जल्दी आपके एग्जाम आने वाले हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। फोर्थ सेमेस्टर सिलेबस आपका चेंज हो चुका है, यानी कि अभी जो न्यू स्टूडेंट आ रहे हैं फाइनल ईयर की सिक्स सेम को छोड़कर बाकी सारे के सारे न्यू सिलेबस पढ़ रहे हैं ना। चलिए जी, हम यही न्यू सिलेबस डिस्कस करेंगे। आपके पास दो बुक्स हैं, ग्रुप एंडरिंग एंड सेकेंड इज मैकेनिक्स। ग्रुप एंडिंग में कौन से चैप्टर्स आप कर सकते हो जिससे पूरा पेपर अटेम्प्ट हो जाएगा, और कौन से वो चैप्टर हैं जिनको आप बेझिझक स्किप कर सकते हैं। ये सिर्फ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता रही हूँ। अगर आपके पास टाइम है तो डेफिनेटली कंप्लीट सिलेबस कीजिएगा। जब आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पहुँच जाएंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में, तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना स्टार्ट कर देना, क्योंकि अभी आपके पास टाइम कम है, आई नो, और हमें सिलेक्टेड चैप्टर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे ही आप फिफ्थ सेमेस्टर में एंटर करते हैं तो स्टार्टिंग से ही पढ़ना शुरू करो। और ऐसा नहीं है कि लास्ट टाइम आते आते हम चैप्टर सेलेक्ट कर रहे हैं और अभी हम पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। ये आपके लिए जो स्टूडेंट मैथ से एमएससी करेगा उसके लिए बहुत लॉस वाली बात हो जाती है कि आप अभी सिलेक्टेड सिलेबस पढ़ रहे हो और उसके बाद फिर आपको दोबारा से पढ़नी पड़ेंगी सारी चीज़ें। डोंट वरी, ऐसा नहीं है कि आपने छोड़ दिया तो आपको बार बार नहीं पढ़ने पड़ेंगे। एमएससी एंट्रेंस कीजिएगा तब आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आपने पढ़ रखा है तो बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा आपको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहते हैं ग्रुप्स एंड रेंज, इसमें कौन कौन से चैप्टर आप कर सकते हो, कौन सी आपकी यूनिट बना रहे हैं चैप्टर। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर से आपकी यूनिट फर्स्ट कवर होती है। यूनिट फर्स्ट किसे, दो चैप्टर से। तो यहाँ पर आप कोसेट्स को छोड़ दीजिए, ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स कर लीजिए कंप्लीट। और अगर कंप्लीट करते हैं तो यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का तैयार हो जाएगा यूनिट फर्स्ट से। जिन्होंने पढ़ रखा है ऑलरेडी कोसेट्स, जिन्होंने अच्छे से पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है, रिवीजन ज़रूर करनी है। ऐसा सोच के नहीं चलना कि मैम ने तो एक ही चैप्टर बताया है तो मैं तो एक ही करता हूँ या एक ही करती हूँ, इसके बाद सेकंड को छोड़ो। ऐसा नहीं है। कई बार क्या होता है, देखो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स तो हमें पता है, लेकिन कई बार जब बहुत ज़्यादा बैड लक होता है ना, तो यहाँ पर क्या करते हैं, एक क्वेश्चन इसका और एक पार्ट इसका भी ले लिया जा सकता है। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, जिन्होंने नहीं कर रखा वो डरना नहीं है, टेंशन नहीं लेना। ये रेयर केसेस में होता है, बहुत ही रेयर केसेस में होता है। तो अभी तक अगर आपने नहीं पढ़ा है ना, तो पहले सिलेक्टेड चैप्टर करो। अभी अगर आप पूरा सिलेबस लेकर बैठ जाते हो कि मुझे तो पूरा ही करना है, अभी 20 दिन रहते हैं एग्जाम के, बुक छेड़ी नहीं है और मुझे तो पूरा ही सिलेबस करना है, वो मूर्खता हो जाएगी, बिल्कुल टोटली। पहले अपना इम्पोर्टेंट चैप्टर जो है वो पक्के करो अच्छे से, सॉलिड तरीके से। एक्स्ट्रा चैप्टर्स पर जब आप टाइम वेस्ट करो, इससे अच्छा तो आप वो चैप्टर करो ना जिससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी 99% है। समझ रहे हैं बात को? तो यहाँ से आप पहला चैप्टर कर लीजिए। ओके, इसके बाद यूनिट सेकंड होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म, परमुटेशन ग्रुप। यहाँ से आप परमुटेशन ग्रुप छोड़ दो और ये चैप्टर कर लो। यहाँ से हमने फर्स्ट चैप्टर किया, ये आपका यूनिट सेकंड प्रिपेयर कर देगा। कौन? होमोमॉर्फिज्म एंड ऑटोमॉर्फिज्म, क्वेश्चन डेफिनेटली आ जाएगा। इसके अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको चाहिए है तो न्यूरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। काफ़ी बच्चे कहते हैं मैडम आप तो पेड बता रहे हो, पैसे देने पड़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए। अरे नहीं भाई, आपको केवल एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और कोर्स पर जाइएगा। सीबीएलयू का फोर्थ सेम का कोर्स अलग से है और वहाँ पर आप फ्री कंटेंट देखिए। उसके अंदर कंटेंट ओपन मत करो, वीडियोस ओपन नहीं होंगी जब तक आप एनरोल नहीं करेंगे, है ना। लेकिन जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए हैं एग्जाम के लिए, उनको आप देख सकते हो बिना कोर्स लिए भी। समझ रहे हैं बात को? बार बार कमेंट आते हैं मेरे पास यूट्यूब पर, मैं देखती हूँ, और एप्लीकेशन पर भी कई बच्चों को नहीं पता चलता है कि कहाँ पर कोर्सेज, क्योंकि बहुत सारे कोर्सेज हैं हमारे पास हर एक यूनिवर्सिटी के, ऑल हरियाणा यूनिवर्सिटीज़। तो हमें क्या करना है, हमें कोर्स को ओपन करना है। कोर्स ही नहीं मिल रहा है आपको, आप चैट सेक्शन पर बोलिए, आपको कोर्स का लिंक प्रोवाइड किया जाएगा और उसमें आपको मेंशन होगा फ्री कॉन्टेंट, वो देखिएगा। ओके, तो हर एक चैप्टर के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके बाद है रिंग्स एंड फील्ड्स, आइडियल एंड कोशेंट रिंग, होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग्स। नेक्स्ट थ्री चैप्टर से आपकी यूनिट थर्ड कवर होती है, यूनिट थर्ड। यहाँ से आप रिंग्स एंड फील्ड करोगे, आइडियल्स एंड कोशेंट रिंग करोगे। इस चैप्टर को आँख बंद करके छोड़ दो, सेवन चैप्टर को। समझ में आ गया? हमें पांचवा करना है, छठा करना है, सेवेंथ को छोड़ देना है। ऑल राइट, इसके बाद आता है इक्लूडियन रिंग एंड पॉलिनोमियल रिंग। पॉलिनोमियल रिंग को छोड़ दो, इक्लूडियन रिंग कर लो। यूनिट फोर्थ आपकी कवर हो जाएगी यहां से। अंडरस्टैंड? तो ये तो हमारा रहा ग्रुप एंड रिंग का इंपॉर्टेंट चैप्टर, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ, सिक्स्थ,
एडिट, 9 में से आपको केवल 5 चैप्टर करने हैं, ये तो कर ही सकते हो ना, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे आपके 90%, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन तो जो आपने 5 किए हैं डेफिनेटली कोई ना कोई इसमें से भी आएगा। मान लीजिए 9 क्वेश्चन आपके आते हैं तो 5 क्वेश्चन आपको डेफिनेटली ऐसे मिलेंगे जो आपने पढ़ रखे हैं, 4 क्वेश्चन ऐसे हैं, अगर टाइम है तो इनको भी थोड़ा थोड़ा देख लीजिएगा, डेफिनेशन वगैरह, ठीक है। बात करते हैं मैकेनिक्स, इसके अंदर आपके 2 पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है स्टैटिक्स, सेकेंड पार्ट है डायनामिक्स का। स्टैटिक्स में क्या कहते हैं, फोर्सेज एक्टिंग एट अ पॉइंट एंड पैरेलल फोर्सेस। यहाँ पर फर्स्ट 2 चैप्टर से आपकी यूनिट प्रिपेयर होती है, फर्स्ट यूनिट तो फोर्सेज एक्टिंग एट ए पॉइंट कर लो, पैरेलल फोर्सेस को छोड़ दीजिए, ये एग्जाम के लिए मैं बता रही हूँ। अगर पैरेलल फोर्सेस, अब टाइम भी है ना तो थोड़ा बहुत जरूर पढ़िएगा, आगे काम आएगा। कहाँ पर? मूमेंट्स एंड कपल्स में। ऑलराइट, चलिए, पैरेलल फोर्सेस नहीं पढ़ा हमने, बिल्कुल ही नहीं पढ़ा। क्या करेंगे यूनिट सेकेंड में? यूनिट सेकेंड में 3 चैप्टर्स हैं, कौन कौन से? मूवमेंट्स, कपल्स, एनालिटिक कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लैनर फोर्सेस। अगर आप इन दोनों को स्किप करके 5वां चैप्टर करते हैं तो आपका क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, ध्यान से सुनना। 5th चैप्टर अगर कर रहे हो, 3rd 4th नहीं कर रहे हो, तो एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाएगा। और अगर आपने 5वां स्किप कर दिया, आपने 3rd और 4th करना पड़ेगा। 3rd 4th चैप्टर के लिए थोड़ा बहुत पैरेलल फोर्सेस के बारे में पता होना चाहिए, समझ में आया? तो यहाँ से मूवमेंट्स कपल्स करते हो तो 5वां स्किप कर दो, और अगर 3rd 4th आपने स्किप किया है तो अकेले 5वें से भी क्वेश्चन प्रिपेयर हो सकता है। ओके, जो रिस्क नहीं लेना चाहते वो 2 चैप्टर कर लीजिए, क्योंकि 5वां सेम वेटेज रखता है, तो 5वें से क्वेश्चन ईजिली प्रिपेयर हो जाएगा आपका। ओके, इसके बाद चलते हैं डायनामिक्स। डायनामिक्स में 3-3 चैप्टर्स की 2 यूनिट हैं, यूनिट नंबर 3rd, ये हमारी यूनिट सेकंड थी है ना, यूनिट सेकंड। यहाँ पर यूनिट 3rd कवर होती है 3 चैप्टर से, मोशन अलोंग ए प्लेन का, रिलेटिव मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब इसमें भी वही पंगा बढ़ रहा है, क्या भाई? अगर मैं करती हूँ मोशन अलोंग ए प्लेन कर्व और रिलेटिव मोशन, क्योंकि 3 चैप्टर, 2 तो मुझे करने ही पड़ेंगे, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड करती हूँ ना तो 3rd को छोड़ सकती हूँ, ध्यान से सुनना, फिर बार बार आपकी क्यूरी नहीं आएंगी। अगर मैंने फर्स्ट और सेकंड किया तो 3rd को छोड़ दिया, 3rd छोड़ेंगे और अगर आप अगली यूनिट में 4th चूज़ करते हो तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी, फिर आपको 3rd पढ़ना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं? रिलेटिव मोशन करते हो, मोशन अलोंग ए प्लेन का ये हम छोड़ दें, तो रिलेटिव मोशन इसके साथ बहुत कम लिंकअप है, इसका लिंक सेकेंड चैप्टर के साथ, फर्स्ट चैप्टर का लिंक सेकेंड चैप्टर के साथ बहुत कम है। आप सेकेंड और 3rd कर सकते हो, मोशन अलोंग ए प्लेन का छोड़ सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है, आप क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड करेंगे 3rd को छोड़ सकते हो, यूनिट फर्स्ट की बात कर रही हूँ, सेकेंड 3rd करोगे 1st को छोड़ सकते हो, लेकिन सेकेंड तो करना ही पड़ेगा हर हाल में, पहला और तीसरा नहीं कर सकते आप। ये बार बार बच्चे पूछते हैं, मैं हर वीडियो में बताती हूँ, जब भी इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करते हैं, आप पहला और तीसरा सिलेक्ट नहीं कर सकते, मिड जो चैप्टर होता है उसको नहीं छोड़ सकते, इसको या तो 1st के साथ लो या इसको 3rd के साथ लो, 2nd तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं इलास्टिक स्ट्रिंग, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वर्क पावर एंड एनर्जी। इसमें से कौन सा करें? इसमें से आप इलास्टिक स्ट्रिंग करोगे तो आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, समझ में आया? सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर पढ़ा है तो इलास्टिक स्ट्रिंग के आप क्वेश्चन निकाल पाएंगे, अदरवाइज दिक्कत आ सकती है भाई, ठीक है। अगर आपने 3rd नहीं पढ़ा तो 4th में प्रॉब्लम आएगी आएगी, तो अगर 3rd पढ़ लिया है तो 4th 5th कर लो, और अगर आपने 3rd नहीं पढ़ा तो 4th को स्किप कर दो, आप 5वां और 6ठा कर लीजिए लास्ट यूनिट से, अंडरस्टैंड? अब आप कहोगे ईजी कौन सा पड़ेगा? ईजी मेरे अकॉर्डिंग पड़ेगा 4th 6th के कंपैरिजन में, 5वां तो करना ही पड़ेगा आपको, 5वें की कोई चॉइस नहीं है, चाहे आप इसके साथ लो चाहे इसके साथ लो, तो 5वें की तो छोड़ने की चॉइस ही नहीं है, 4th और 6th में से 4th ईजी रहेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर आपने रिलेटिव मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन कर लिया, आई थिंक ये ईजी रहेंगे आपके लिए। वैसे चैप्टर तो 1st भी ईजी है, टफ नहीं है, और इम्पोर्टेंट भी है, 1st चैप्टर इम्पोर्टेंट है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन 3rd इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसके बाद आप 4th नहीं कर पाएंगे, तो
तो ये आप पर डिपेंड करता है, ये आपकी चॉइस है। यहाँ से आप पहला दूसरा चूज करते हो या दूसरा तीसरा, या फिर यहाँ से फोर्थ फिफ्थ करते हो या फिफ्थ और सिक्स करते हो। ये आपका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो यहाँ से क्या कौन कौन सा रहा, स्टैटिक में फर्स्ट चैप्टर, इसके बाद थर्ड फोर्थ करते हो तो ये दोनों, अदरवाइज एक फिफ्थ चैप्टर, दो चैप्टर से आपका स्टैटिक कंप्लीट। और अगर ये दोनों करते हो तो तीन चैप्टर करने पड़ेंगे आपको। डायनामिक करते हैं, सो डायनामिक में फर्स्ट सेकंड फोर्थ फिफ्थ वो आप कहीं से भी छोड़ सकते हैं, इसमें आपको चार चैप्टर पढ़ने ही पड़ेंगे, कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तीन तीन चैप्टर्स हैं आपके यूनिट में। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को हेल्प की ज़रूरत है, जो चाहता है घर बैठे बिना टाइम वेस्ट किए अच्छे से पढ़ाई करे, तो न्यू एरा मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पर CBLU का स्पेशली ये जो सिलेबस है ये आप कर सकते हो। अगर आपको नहीं मिल रहा है कोर्स या कोई आपको डाउट है किसी भी तरीके का, तो आप फ़ोन कर सकते हो 8059633433, ये नंबर है और इस पर आप कॉल कर सकते हैं और अपनी कोई भी क्यूरी है पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। यहाँ तक अगर मैं वीडियो को देखा है तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। और बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू, बाय, टेक केयर।